हेलो गाइस दिस इज स्वाति और मैंने देखी नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है इन हर हैंड्स जिस देश में एक छोटे से गांव के प्रधान के पद से लेकर पूरे देश की प्रधानमंत्री एक महिला रह चुकी है इनफैक्ट एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उसके लिए एक छोटे से शहर का महिला का मेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है बट बात अगर उस देश की हो रही हो जहाँ जो बेसिक जो जनसिद्ध अधिकार होता है बेसिक राइट जो होता है एजुकेशन का उसके लिए भी एक महिला को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब ये बात कुछ और हो जाती है और यही दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में. So, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसे देखकर मैं आपसे शेयर करती हूं और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए इससे पहले अगर आप नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब और अगर, अगर अपने पुराने व्यूवर हैं तो लाइक करके जाइएगा अपनी इनसाइट शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स डॉक्यूमेंट्री इसमें जरीफा गफ़ारी नाम की एक महिला दिखाई गई हैं जो छोटे से शहर की मेयर बनी हुई हैं ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई महिला मेयर नहीं रही है ये यंगेस्ट मेयर दिखाई गई हैं रह चुकी हैं बट जिस एरिया की ये मेयर हैं जिस जगह की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है क्योंकि वहाँ पर तालिबानी प्रभाव बहुत ज़्यादा है और अब जो फोर्सेज हैं वो यहाँ से जो यू एस फोर्सेज हैं वो यहाँ से जा चुकी हैं तब उस एरिया में जो तालिबान से प्रभावित है वहाँ पर इनका मेयर रहना और उसके बाद महिलाओं का एजुकेशन को महिलाओं को एजुकेशन के लिए प्रमोट करना कितना ज़्यादा इनके लिए खतरनाक हो सकता है ये इसमें दिखाया गया है और किस तरीके से ये अपनी जान को और अपने परिवार वा, परिवार वालों की जान को जोखिम में डालकर ये चीज़ अपना जो इन्होंने विजन बना रखा है अपने जीवन का ध्येय सेट कर रखा है उस पर बढ़ती जाती हैं तो इनको कितनी इनकी ब्रेवरी को इसमें दिखाया गया है बट इस डॉक्यूमेंट्री uh, से मेरी ये शिकायत है कि इसमें इनकी लाइफ पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया गया दो इनकी सफरिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये किस तरीके से मेयर बनी क्या इनकी एजुकेशन का था इन किस तरीके से मतलब इन्होंने हर्डल्स पार करी और यहाँ तक आई उस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया गया वहाँ का क्या सीनारी है कि पॉलिटिकल सीनारी क्या चल रहा है क्या हलचल चल रही है काबुल का क्या सीनारी है तो ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है आ, तो ये थोड़ी सी मुझे इस सीरीज़ में कमी लगी बाकी देखिए ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल इसका थीम है सेंट्रल की ज़रीफा गफ़ारी के बारे में हमें बताया जा रहा है उनकी स्ट्रगल दिखाई जा रही है उनके फ़ादर के साथ जो कुछ हुआ उससे बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है हमें इनके साथ लेकिन बहुत ही पावरफुल चीज़ को थोड़ा हल्के तरीके से प्रेजेंट किया गया और हमारे तक पहुंचती है बट उसकी गंभीरता थोड़ी कम होती दिख रही है आ, उसको उत, उतने ट्विस्ट के साथ रियलिटी को भी आप बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे ऑडियंस बिल्कुल चिपका रहे उससे तो वहाँ पर ही मुझे कमी लगी स्टिल एक एवरेज सीरीज़ है आप उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए इसे ज़रूर देखें दैट्स इट फ्रॉम माई साइड स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स बाय